हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में सोलेनोइड के बारे में पढ़ेंगे कि सोलेनोइड बेसिकली होता क्या है, ये कैसे काम करते और ये बाहर मैग्नेट के तरह बिहेव करते हैं, तो वो किस तरह करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। बेसिकली आपने कॉपर वायर देखा होगा, तो ये क्या है? ये बेसिकली इलेक्ट्रिक वायर है, कॉपर का वायर है ना। अब ये कॉपर का वायर को हम विशेष शेप दे के इसको हम ऐसा सोलेनोइड बना सकते। ये जो है ये बेसिकली आप इसको कॉयल कहिए या सोलेनोइड कहिए, दोनों एक ही बात है। इसको सोलेनोइड एक्जैक्टली डेफिनेशन के हिसाब से तो सोलेनोइड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मीडियम नहीं है। स्टील कुछ मीडियम ना होना भी एयर मीडियम है ना, तो ये सोलेनोइड ही है, नहीं तो आप इसको कॉयल कीजिए। एक्चुअल जो सोलेनोइड होते हैं वो कैसे होते हैं, ये देखिए, एक लोहे का बार है, आयरन का बार है, तो इसके ऊपर इस तरह अगर कॉपर को वायर को रैप किया जाए तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए, इसको मैं रैप कर रहा हूँ, तो ये जो रैप करने के वजह से बना ये है सोलेनोइड। ये जो टोटल सिस्टम है ना, एक लोहे का बार, उसके अंदर कॉपर का रैप है, इसको एक साथ सोलेनोइड कहा जाता है। तो ये सोलेनोइड क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तो नॉर्मली वायर है और कुछ नहीं है, लेकिन इसका एक बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। जब इसके थ्रू आप करंट पास कराएंगे ना, जब किसी वायर के थ्रू करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन ये सोलेनोइड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जो कि एग्जैक्टली बार मैग्नेट को वो मिमिक करता है। बार मैग्नेट जिस तरह प्रॉपर्टी होता है इसका उसी तरह होता है। बार मैग्नेट को यूज करके बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सोलेनोइड में आप बहुत करंट बढ़ा के या नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के आप इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग बना सकते हो। तो देखिए, उसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, एक बैटरी को लगा दिया और एक बैटरी के साथ ये वायर को जोड़ के एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। आप मान लीजिए ये बैटरी के साथ स्विच लगा हुआ है, इसलिए अभी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। अभी करंट का जब फ्लो होगा तो इसके अंदर क्या होगा, हम वो देखने के लिए एक बल्ब भी लगा दिया। तो बेसिकली इसको जब ऑन कर देंगे बल्ब जलेगा, मतलब वो हमें बताएगा कि हाँ करंट चल रहा है। तो चलिए देखते क्या होता है। देखिए, वाह, इसमें देखिए बल्ब तो जल ही रहा है, साथ साथ ये देख रहे हो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया ये सोलेनोइड। ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से हो, क्योंकि इसके थ्रू करंट पास हो रहा है, और ये फील्ड को आप अगर देखेंगे ये एग्जैक्टली बार मैग्नेट जो होता है उसके साथ एक ही तरह होता है, एक ही तरह बिहेवियर होता है, एक ही प्रॉपर्टी होता है। तो इस तरह सोलेनोइड के यूज़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। इसको बेसिकली कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके इसको मैग्नेट को बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो पावर है वो किस में डिपेंड करता है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट। इसके थ्रू आप जितना करंट बढ़ाएंगे ये इतना स्ट्रेंथ, मैग्नेट का स्ट्रेंथ उतना बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, ये जो नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टर्न्स, तो ये एन को कहा जाता है 9। अगर एन को मैं 9 के जगह 18 कर दूंगा ना, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जस्ट डबल हो जाएगा, 2B हो जाएगा। यहाँ पे अगर बी है, यहाँ पे 2B है, एन को अगर आप और बढ़ा दीजिए तो ये और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज करना थोड़ी मुश्किल है, वहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है, क्योंकि इसका पावर को आप बढ़ा सकते हो करंट को बढ़ा के, नंबर ऑफ वायर का टर्न को बढ़ा के। इसलिए बहुत ही यूजफुल चीज़ है। इसका यूज आप इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारा है, बहुत सारा आपको मिल जाएगा। हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका जो प्रैक्टिकल यूज है। ट्रांसफार्मर आप जानते हो, जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर जिसमें एक कॉयल यूज किया जाता है, ऐसा बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर ये यूज किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सोलेनोइड किसको कहते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए इसको मैं बंद कर देता हूँ तो क्या होगा, दूसरा प्रॉपर्टी, बंद कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड चला गया। मतलब मैं चाहूँ तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करूँ, जब जरूरत नहीं तब मैं इसको बंद कर दूँ, क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रहने में क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, और दूसरा जो आस पास जो मटेरियल होगा लोहे का या मैग्नेट का उसको डिस्टर्ब करेगा। तो मुझे जब जरूरत है तब मैं इसको यूज करूंगा, जब जरूरत नहीं है तो मैं इसको बंद करके रखूंगा। अभी देखिए, मुझे जरूरत है, मैं मैग्नेट जनरेट कर दिया, बस मेरा काम हो गया, मैं इसको बंद कर दिया, बस ये इतना इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक परमानेंट मैग्नेट को आप बंद कर सकते हो, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैं हमेशा मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, उसको आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो कर सकते हो दोस्तों। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में।